एपेक्स क्लब सूरतगढ़ के द्वारा सूरतगढ़ में यातायात की आवश्यकता को देखते हुए एक यातायात पुलिस कंट्रोल रूम का निर्माण एपेक्स क्लब द्वारा करवाया गया है और आज विधिवत रूप से इसको यातायात पुलिस को समर्पित किया गया, जिसका कि इनॉग्रेशन हमारे DSP साहब श्री शिवरतन बदारा जी और CI राम कुमार लेखा जी द्वारा संयुक्त में किया गया उद्घाटन। और इसमें सूरतगढ़ के अन्य सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे और तथा सूरतगढ़ के अन्य गणमान्य नागरिक भी उपस्थित रहे। पट्टिका का अनावरण पूजन के साथ संपन्न हो रहा है। हमारे शहर की सभी संस्थाओं के पदाधिकारी यहाँ उपस्थित हैं। शहर की आम जनता साक्षी है। कक्ष के लोकार्पण में आज यहाँ उपस्थित है शिव साहब श्रीमान शिवरतन जी गोदारा, CI साहब श्रीमान राम कुमार लेखा जी संयुक्त रूप से अपने कर कमलों से इस पट्टिका का अनावरण कर रहे हैं। एक मिनट थोड़ा साइड में बैठिए। तालियों से पट्टिका का अनावरण संपन्न हुआ। बिनावरा जी से मेरा आग्रह है अनावरण के तुरंत बाद अतिथियों को पीछे वाले गेट से ला करके अतिथियों का तिलक करवाएं और रिबन कटा करके इस कक्ष को उन्हें समर्पित करें। पट्टिका का अनावरण होते हुए समस्त मीडिया कर्मचारी इस समस्त कार्यक्रम को शूट कर रहे हैं और अभी हमारे अतिथियों के द्वारा जिनमें किया और अभी इसके तुरंत बाद CEO साहब और CI साहब तिलक करवाते हुए रिबन का संबोधन हम सबको आशीर्वाद के रूप में जरूर देंगे। सबको आभार बताया है फिर बनाने कार्यक्रम में इस कक्ष में समस्त यातायात प्रभावितों के लिए समस्त सुविधाएं उपलब्ध कराने का अपना पूरा प्रयास किया है। उसमें माइक सेट लगा हुआ है, लाइट व्यवस्था भी है, पंखा लगा हुआ है, चेयर उपलब्ध है। समस्त सुविधाओं से युक्त एफएच क्लब में उमाशंकर जी यहाँ पर भी हो सर। आइए आगे आइए। उमाशंकर यादव जी ने निश्चित रूप से बड़े अधिक प्रयास किए थे, इनकी प्रेरणा इसमें नहीं थे। हमारे बीच आज उपस्थित है खुशी कक्ष के श्रीमान सिंह जी शेखावत, ये भी बड़े हसमुख जब भी इनको किसी काम के लिए बोला जाता है हमेशा तैयार रहते हैं। इन्होंने भी तरफ को बड़ा मोटिवेट किया, ये भी हमारे बीच आज उपस्थित है। और उनके साथ अरे गुड़िया बताइए।
समस्त सुविधाओं के लिए उद्घाटन के तौर पर उपस्थित है। अभी जो मैं आग्रह करूंगा सीओ साहब से कि अंदर ही हवा में थोड़ा माइक से आशीर्वाद स्वरूप कुछ एपेक्स क्लब सूरतगढ़ का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने एक शानदार मुहिम चलाते हुए ट्रैफिक पुलिस के लिए बहुत ही शानदार ड्यूटी बना करके दी है, और आपके द्वारा जो ये सहयोग किया गया है ट्रैफिक पुलिस को, हम आपको बिल्कुल आश्वस्त करते हैं कि हमारी ट्रैफिक पुलिस सूरतगढ़ है वो बिल्कुल तह दिल से आपके किए गए इस कार्य के अनुरूप ठंडा दिमाग से यहाँ आपके व्यापार के जो ट्रैफिक व्यवस्था है उसको बिल्कुल सुचारू करने के अंदर पूरा सहयोग करेगी और पूर्णतः डेडिकेटेड होकर अपना काम करेगी। धन्यवाद सीआई साहब। बाकी साहब तो हमारे सामने कह दिया, मैं निवेदन करूंगा एक ऐसी गुमटी गोल चौपड़ी भी बनाई आगे का समस्त यातायात प्रभारियों से एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि जितने प्यार से खुश होकर के अपेक्स ने यात्रा गूंट भी समर्पित की है, आप लोग भी इसकी सुरक्षा और इसके संचालन का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। लीजिए उमा शंकर जी। अपेक्स क्लब के साथ ही अन्य संस्थाओं से आए हुए आप सभी का हार्दिक स्वागत, बहुत बहुत अपेक्स क्लब जो 2001 से मैं इनका स्थायी सदस्य रहा हूँ और मैं ताज जिंदगी इन लोगों का आभारी रहूंगा जिन्होंने मेरे निवेदन करने पर इतना शानदार केबिन बना के दिया यातायात को, जो कि एक मिसाल है। ऐसा केबिन बीकानेर के चारों जिलों में कहीं भी नहीं बना हुआ है, बहुत ही शानदार, बहुत बहुत आभार। और मैं अन्य संस्थाओं से आए हुए पदाधिकारीगण सदस्यों से भी निवेदन करूंगा कि गोयल चौक पर भी एक ऐसा केबिन बनवाने के लिए यातायात पुलिस का सहयोग करें। एक बार फिर राजाराम जी बिनावरा की पूरी टीम का हार्दिक आभार, प्रणाम।